में चुनकर भेजा। इसी धरती पर हमने सामाजिक राजनीति छात्र जीवन शुरू किया और इसी जनता का जो प्यास उन्हें एक बेटे भाई के रूप में मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, मैं उनका ऋणी हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करूँ, उनका जो विश्वास भरोसा है उसको कायम करूँ। बिरला साहब, लेकिन एक सवाल यह है कि ओम बिरला में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? 8 घंटे लगातार आप खड़े हैं, चल रहे हैं, 70 किलोमीटर का सफर तय करने में 8-9 घंटे आपको लग गए हैं, अभी भी देर रात होने वाली है। ये जनता का प्यार है और ये जनता 10-10 घंटे 8-8 घंटे 6-6 घंटे तक खड़ी रहती है, तो हम तो कुछ नहीं कर पाते इसके मुकाबले। जिस तरीके से जनता प्यार से नहीं करती है, मुझे लगता है कि हम जनता और कार्यकर्ता जितनी इस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, हमें जिताने के लिए मेहनत करती है, उसके मुकाबले हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि वो कार्यकर्ताओं की ऊर्जा हमें हमेशा नई ऊर्जा देती है, नया संकल्प देती है, नए कार्य करने की प्रेरणा। मेरे लिए सब कुछ वह कार्यकर्ता जनता है जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है। बिरला साहब, लेकिन जनता का इतना प्यार कंधों पर जिम्मेदारी का वजन भी बढ़ा देता है। निश्चित रूप से जिम्मेदारी का वजन है। अब क्षेत्र की जनता कहती है कि राज्य में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, तो निश्चित रूप से अपेक्षाएं बढ़ी है, आकांक्षा बढ़ी है। हम उसी विश्वास से और अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए और कड़ी मेहनत करेंगे। बिरला साहब, आपकी एक बात मुझे याद आ रही है, आपने लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद कहा था कि अब ये मौका है जब केंद्र और प्रदेश दोनों में सरकारें भाजपा की, अब वो सब काम होंगे जो रुके हुए थे। ये एक बहुत सुनहरा मौका है जब राज्य और केंद्र में एक दल की सरकार है, तो नीतियाँ, योजनाएं, कार्यक्रम, विकास के सब एजेंडे बनाने में हमें सुविधा होती है, ताकि हम उसको ठीक से एग्जीक्यूट कर सकें। और मुझे आशा है कि राज्य में जो पहला बजट आया है, उस बजट ने भी विकास के नया रास्ता खोला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सामाजिक योजनाओं, लोगों के जीवन परिवर्तन के लिए जो लक्ष्य तय किए, कोटा बूंदी क्षेत्र के अंदर भी करोड़ों के काम हुए हैं जो बहुत सालों से उलझे हुए थे, लटके हुए थे, वह सब काम इस बजट में आए। निश्चित रूप से हम उनकी उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। हजारों लोगों से आज आपने मुलाकात की और बहनों से भी आप मिलने वाले हैं। रक्षाबंधन का पर्व, कई बहनें अपने भाई के रक्षा बांधती है, हम सब रक्षा का संकल्प लेता है, हमारी माता बहनों को और आत्मविश्वास मिले और वो आत्मनिर्भर हो, उनका विश्वास भरोसा हो, इसलिए रक्षाबंधन एक पवित्र बंधन होता है, भाई बहन का रिश्ता और रक्षा का पर्व होता है। मैं सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि रक्षाबंधन को हम हमारे भाई बहनों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध रहें और वो सुरक्षित रहें, उसके लिए हमें संपूर्ण प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, बहनों को सुरक्षा का भरोसा दिला रहे हैं ओम बिरला, बहनों से भी मुलाकात करने वाले हैं, लगातार पूरे काफिले पर फूल बरसाए जा रहे हैं। देखिए आप, बड़ी बड़ी जो मालाएं हैं वो यहाँ अपने प्यारे नेता को पहनाने की।